मैं हूँ यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1016वां एपिसोड। आज 24 जुलाई की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी खबरें हम आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। स्पेशली दोस्तों, ऋषभ पंत को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है और आरसीबी के रिलीज प्लेयर्स की जो लिस्ट है वो लीक हो चुकी है। इन दोनों खबरों पर डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। एंड तक वीडियो को देखना दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। 2023 का आईपीएल बेशक खत्म हो चुका हो, लेकिन 2024 का आईपीएल, एशिया कप, वर्ल्ड कप, सारी रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले हम दे रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करो और बेल आइकन दबाओ। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के हवाले से तो ये खबर आ रही है मोहम्मद आमिर को लेकर। दरअसल दोस्तों, मोहम्मद आमिर को लेकर लगभग एक हफ्ते पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से वो 2024 का आईपीएल नहीं खेलेंगे। अब उसी को लेकर आगे एक और रिपोर्ट कंफर्म हुई है। रिपोर्टेडली ब्रिटिश पासपोर्ट के साथ अगले साल 2024 में वो डर्बीशायर काउंटी टीम को ज्वाइन करेंगे। अगर मोहम्मद आमिर डर्बीशायर के हवाले से खेलते हैं 2024 में, तो फिर वो 2025 के आईपीएल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और इस तरह से 2024 नहीं 2025 के आईपीएल में उनकी एंट्री हो जाएगी। लगभग एक हफ्ते पहले मैंने आपसे यही कहा था कि वो कुछ भी कर ले, वो 2024 का आईपीएल नहीं खेल सकते, लेकिन वो 2025 का खेल सकते हैं और हमारी खबर पर कल मोहर लग गई। और इसीलिए बोलता हूं भैया, माय क्रिकेट प्रोडक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर रख लो, क्योंकि सारी खबरें हर रोज सबसे पहले आपको पता है हमारे पास मिलती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आज से बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट आ रही है बीसीसीआई और इंडियन प्रीमियर लीग को लेकर। दरअसल दोस्तों, बीसीसीआई ने एक और हमारी खबर पर मोहर लगा दी है। लगभग 15 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इस साल के आईपीएल में सभी 10 टीमों का बैलेंस पर्स इंक्रीज होने वाला है। पिछले साल की नीलामी में 95 करोड़ रुपए बिफोर रिटेंशन हर टीम के पास बैलेंस पर्स था और रिपोर्टेडली इस साल 100 करोड़ होने वाला है। और हमारी इस खबर पर मोहर लग गई है। भैया फिर से लाइक बनता है हमारे लिए, नहीं किया है तो कर देना, आपका प्यार है दोस्तों, इसीलिए इस तरह की रिपोर्ट लेकर आते हैं। क्योंकि बीसीसीआई ने कल कंफर्म कर दिया है कि इस साल के मिनी ऑक्शन में, 2024 की मिनी नीलामी में हर टीम के पास 100 करोड़ बिफोर रिटेंशन का बैलेंस पर्स रहने वाला है। मतलब इस बार के आईपीएल के ऑक्शन में एक दफा फिर हमें एक और बहुत महंगा, आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा प्लेयर बिकता हुआ दिखेगा, नजर आएगा। तो इस खबर के लिए भी लाइक बनता है, नहीं किया है तो भाई कर देना, आपका प्यार बरसा देना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आपसे बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकल कर आई है। सुरेश रैना के बाद कल अंबाती रायडू ने एक बड़ा बयान दिया और इस बयान ने सारे सीएसके फैंस को खुश कर दिया। महेंद्र सिंह धोनी के बाद अगला कप्तान कौन होगा, इसको लेकर मैं लगभग 2 महीने से बोल रहा हूं कि ऋतुराज गायकवाड़ होंगे और कल अंबाती रायडू ने भी कंफर्म किया। उन्होंने कहा ऋतुराज गायकवाड़ टू बी द नेक्स्ट सीएसके स्किपर, उन्होंने कंफर्म किया है। दरअसल दोस्तों, अंबाती रायडू एक लंबे अरसे तक चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट के साथ और टीम के साथ, स्क्वाड के साथ जुड़े हुए हैं और उनके पास अंदरूनी सारी जानकारियां हैं। इससे पहले सुरेश रैना ने भी कंफर्म किया था कि गायकवाड़ ही होंगे। मतलब यहां से अगर ये दो बड़े बंदे जो चेन्नई के साथ लंबे अरसे तक जुड़े थे, अगर वो कह रहे हैं कि गायकवाड़ अगले कप्तान होंगे, मतलब कंफर्म है कि भैया गायकवाड़ अगले कप्तान होंगे। लेकिन आपके भाई ने, हमने, माय क्रिकेट प्रोडक्शन ने 2 महीने पहले बता दिया था टेलीग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी, कि ऋतुराज गायकवाड़ ही चेन्नई के अगले कप्तान होंगे। और इसीलिए बोल रहा हूं भैया, चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही, टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्योंकि ऐसी ही सारी रिपोर्ट हम बहुत पहले ही बता देते हैं और एंड में हमारी लगभग 95% जो रिपोर्ट्स हम अंदर से निकाल कर लाते हैं वो सही साबित होती है। इसीलिए टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सारी ट्रू खबरें, सही खबरें सबसे पहले वही मिलेगी, फटाफट ज्वाइन कर लो। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, यहां से अब बात करते हैं दिन भर की चौथी बड़ी खबर की। तो ऋषभ पंत को लेकर एक बड़ा बयान आया है ईशांत शर्मा का। दिल्ली क्रिकेट के साथ बड़ी करीबी से जुड़े हुए ईशांत शर्मा, हिंदुस्तान के हवाले से तो लंबा अरसा उन्होंने सर्व किया ही है, एक बड़ी बात बोल रहे हैं वो ऋषभ पंत को लेकर। एक अंदरूनी जानकारी उन्होंने दी, उन्होंने कहा है ही जस्ट स्टार्टेड, ही विल नॉट सी हिम इन आईपीएल 2024। भैया अभी उन्होंने सिर्फ शुरुआत की है, सिर्फ उन्होंने नेट को हिट किया है, सिर्फ उन्होंने बल्ला पकड़ा है और कीपिंग के लिए मूवमेंट की है। यहां से यह कह देना कि वो आईपीएल 2024 में खेलेंगे, ये एक बेमानी बात है। ईशांत शर्मा के अनुसार वो अगले साल का आईपीएल नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी इंजरी बहुत मैसिव थी और उन सारी इंजरी को रिकवर कर फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट आईपीएल के लिए मैच फिट होना कोई आसान बात नहीं है। एक खिलाड़ी, एक तेज गेंदबाज या एक स्पिनर को अगर थोड़ी सी भी इंजरी हो जाती है तो वो डेढ़ साल तक बाहर
बाहर बैठा रहता है रिकवरी के लिए, ऋषभ पंत को लंबा समय लगेगा, ये कहना है भैया ईशान शर्मा का। देखो यार, ईशान शर्मा ने बहुत क्रिकेट खेली और अगर वो कुछ बोल रहे हैं ना, मतलब बात में ठोसता है, बात में दम है, और ईशान शर्मा की बात से मैं भी सहमत हूँ और होना भी चाहिए, क्योंकि ईशान शर्मा ने बड़ी करीबी से हिंदुस्तानी क्रिकेट, ये सारी रिकवरी प्रोसेस सबको देखा हुआ है। और अगर वो बोल रहे हैं पंत अगले साल नहीं खेलेंगे, तो चांसेस आर वेरी हाई कि वो अगले साल नहीं खेल पाएंगे। बाकी इस पर आप भी अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में लिखो, आपको क्या लगता है, क्या ऋषभ पंत हो पाएंगे अगले साल तक फिट, अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख देना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात करते हैं अब दिनभर की पांचवी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है हमारे पड़ोसी देश से और खबर अच्छी नहीं है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। भैया देखो, एक तरफ तो अपना IPL है जो कि दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग में पैसों को लेकर लड़ाइयां तेज हो गई है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में पैसों को लेकर अफरा तफरी मची हुई है, अब यही अफरा तफरी पाकिस्तान सुपर लीग तक पहुंच गई है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जितना पैसा कमाया है रिपोर्टेडली उन्होंने उसमें भ्रष्टाचार किया है, और ऐसी स्थिति में जो पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी टीमें हैं उनको कम शेयर मिला है, कम प्रॉफिट मिला है, जिससे बाकी टीमें नाराज हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। तो सीधी लड़ाई यह है कि एक तरफ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और दूसरी तरफ है पाकिस्तान सुपर लीग की सारी जितनी भी फ्रेंचाइज है उनके मालिक, और लड़ाई हो रही है भैया की जो कमाई की है उस पर हिस्सेदारी की। अब ये लड़ाई कौन जीतता है ये तो आगे पता लगेगा, लेकिन ये जो लड़ाई हो रही है इससे पूरा पाकिस्तान मुल्क हार चुका है ऑलरेडी, इनका क्रिकेट बोर्ड ऑलरेडी हार चुका है, और यहाँ से ये पता लगता है कि कितनी बुरी स्थिति इस समय पाकिस्तान की हो चुकी है, क्योंकि 200-300 करोड़ रुपए के इस रेवेन्यू पर इतनी झूमा झटकी हो रही है। दूसरी तरफ भैया एक तरफ IPL है जहाँ पर एक टीम की कीमत ही 2-2 हज़ार करोड़ रुपए हो जाती है, तो यार अंतर तो बहुत है, और ये लोग जो कंपैरिजन करते हैं ना अमूमन हम सुनते हैं वो बेमानी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की छठी बड़ी खबर की। तो दो दिन पहले मैंने आपको वर्ल्ड कप का प्रोमो बताया था, किस तरह से वर्ल्ड कप का प्रोमो रिवील हुआ, शाहरुख खान उसका स्टारर हिस्सा बने। अब इस वर्ल्ड कप के प्रोमो से पाकिस्तान के पूर्व दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज शोएब अख्तर को मिर्ची लगी। उन्होंने कहा है टाइम टू ग्रो अप अ बिट, उन्होंने कहा है कि भैया बड़ा होने की जरूरत है थोड़ा। उन्होंने कहा है कि जो वर्ल्ड कप का प्रोमो आया है उससे वो संतुष्ट नहीं है। शोएब अख्तर के अनुसार बाबर आजम को भी वर्ल्ड कप के प्रोमो का हिस्सा होना था। देखो यार, शुभमन गिल वर्ल्ड कप के प्रोमो का हिस्सा थे, इसका रीजन यह है कि भारत में वर्ल्ड कप हो रहा है और वो अवेलेबल थे, पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी उपलब्ध नहीं था। जिस दिन पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा पाकिस्तान प्रोमो बनाएगा तो अपने खिलाड़ियों को भी प्रोमो में डालेगा, एंड मुझे नहीं लगता कि शोएब अख्तर को हर चीज़ में इस तरह से उंगली करनी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप का प्रोमो मुझे तो अच्छा लगा। अब बाबर आजम का उसमें होना नहीं होना ये कोई मायने नहीं रखता है। देखो यार, वर्ल्ड कप होगा, अगर बाबर आजम अच्छे फॉर्म में होंगे तो भारत में आकर खूब चल देंगे, और अगर उनकी बल्ला चलेगा, उनकी बल्लेबाजी चलेगी तो हम सब लोग देख लेंगे, प्रोमो की जरूरत ही नहीं है। तो शोएब अख्तर का ये बयान मेरे को थोड़ा सा सही नहीं लगा। बाकी इस पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कमेंट बॉक्स यूट्यूब ने आपके लिए दिया है तो फटाफट अपनी राय लिखना। आगे बढ़ते हैं, सातवीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो RCB के हवाले से रिपोर्ट है, 10 रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट ऑलरेडी लीक आउट हो चुकी है। ये 10 बड़े नाम RCB का दामन छोड़ सकते हैं। नाम सुन लेते हैं, उसके बाद कारण भी सुनेंगे। भैया देखो, दिनेश कार्तिक का नाम है, शहबाज अहमद का नाम है, महिपाल लोमरोर का नाम है, अनुज रावत, फिन एलन, विल जैक्स का नाम है, तो वही एच शर्मा का नाम है, तो वही हसरंगा और हर्षल पटेल पर इस समय माथापोड़ी हो रही है RCB के अंदर खाने में। दोनों ही ओवर प्राइज्ड माने जा रहे हैं। तो लगभग 7-8 नाम ऐसे हैं जो कि कंफर्म रिलीज होने वाले हैं, जिसमें दिनेश कार्तिक, शहबाज अहमद, लोमरो शामिल है। तो वही हसरंगा और हर्षल पटेल, इन दोनों में से किसी एक को रिलीज किया जा सकता है। भैया मेरी राय तो यह है कि हसरंगा और हर्षल पटेल दोनों को रिलीज नहीं करना चाहिए, लेकिन RCB का मैनेजमेंट है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो हसरंगा और हर्षल पटेल में से कौन बाहर होगा, दोनों को ओवर प्राइस समझा जा रहा है, दोनों की कीमत लगभग 10-10 करोड़ है, और RCB सोच रही है कि हसरंगा हर्षल पटेल इन दोनों में से किसी को भी रिलीज कर नीलामी में आधी कीमत पर फिर से खरीदा जाए। ये पैतरा RCB का कितना कामयाब होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि RCB की पूरी टीम बदलने की राह पर होगी, क्योंकि हमने इस साल के IPL में देखा था RCB के जो कुछ 5-6 प्लेयर्स थे वो तो खूब चल रहे थे, जिसमें विराट कोहली हो गए, मैक्सवेल भी चल गए ठीक ठाक, प्लेसिस भी चल रहे थे, उसके बाद नीचे से हमने देखा तो मोहम्मद शिराज भी चल रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने पूरी RCB की नैया डुबा दी, और RCB अब उनसे बदला लेगी रिलीज कर। अब देखते हैं दोस्तों इस पर आगे क्या मोड़ आता है, और इसीलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर रखिए, और RCB के लिए लाइक ज़रूर बनता है, क्योंकि नई टीम शायद इनकी और बेहतर बन जाए।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की आठवीं बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट आ रही है अपने 5 हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को लेकर। यार देखो, इंडिया के 5 ऐसे प्लेयर है जो इस समय चोटिल चल रहे हैं, केएल राहुल, बुमराह, प्रशिक कृष्णा, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर। दोनों को लेकर एक रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने नेट्स को ज्वाइन कर लिया, लेकिन अभी तक बीसीसीआई ने कन्फर्म नहीं बताया है कि इनकी रिटर्न डेट क्या होगी, ये पांचों किस किस तारीख को हिंदुस्तान की क्रिकेट में वापसी करेंगे। अभी तक कन्फर्म नहीं है और फैंस इस बात की डिमांड कर रहे हैं अब ये 5 कब वापसी करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन क्योंकि बीसीसीआई ने अभी तक इनकी रिटर्न डेट बताई नहीं है, यहां से सवाल बड़े खड़े होते हैं, क्या ये वापसी कर पाएंगे एशिया कप में? क्योंकि रिपोर्टेडली हो सकता है पांचों एशिया कप तक वापसी ना कर पाए, वो एक बड़ा सवाल बनकर अब हिंदुस्तान की क्रिकेट के आगे खड़ा हो चुका है। क्या होगी वापसी, आप बताओ ना कॉमेंट बॉक्स नीचे, यूट्यूब ने आपके लिए दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहां से बात करते हैं अब दिन भर की 9वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हवाले से रिपोर्ट निकल कर आ रही है, एशिया कप का शेड्यूल आया। भारत पाकिस्तान ऑलरेडी एशिया कप के शेड्यूल को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे, बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच खूब झूमा झटकी हुई शेड्यूल को लेकर। लेकिन जब अब शेड्यूल आ चुका है तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इससे खुश नहीं है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड खुश नहीं है क्योंकि उन्हें लंबी लंबी फ्लाइट्स लेनी पड़ेगी। बीसीबी ने कहा है कि वो एशिया कप के शेड्यूल से संतुष्ट नहीं है क्योंकि कुछ मैचेस श्रीलंका में खेलने पड़ सकते हैं बांग्लादेश की टीम को और कुछ मैचेस पाकिस्तान में खेलने पड़ेंगे। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान से श्रीलंका के बीच लंबी फ्लाइट्स रहेंगी और ये जो क्रॉस कंट्री फ्लाइट्स रहने वाली है इससे बांग्लादेश के कई प्लेयर्स थक जाएंगे, ये कहना है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का। अब इस बीसीबी के इस बयान से आप कितना सहमत हो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब 10वीं बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है इमर्जिंग एशिया कप को लेकर। यार देखो, कुछ दिन पहले इमर्जिंग एशिया कप में एक मैच हुआ था जिसमें इंडिया एक ही टीम ने पाकिस्तान एक ही टीम को हरा दिया था। अब कल फाइनल हुआ और अनफॉर्चुनेटली देखो क्रिकेट है, कोई भी जीतता है कोई भी हारता है, इंडिया की टीम हार गई, पाकिस्तान की टीम जीत गई। अच्छा, कल ये जो फाइनल हुआ इसमें इंडिया की हार का कोटा खत्म हो गया क्योंकि देखो भगवान को भी पता है कि एशिया कप होने वाला है, वर्ल्ड कप होने वाला है, तो इन्होंने अभी इंडिया को हरा दिया है ताकि बैलेंस हो जाए और एशिया कप और वर्ल्ड कप में हमारे को जीत मिले, इसीलिए इंडिया एक ही टीम हारी है। ऑल दो बॉर्डर के उस पार से पाकिस्तानियों ने खूब हर कुछ लिखा है ट्विटर पर, जिसका बदला हम एशिया कप और वर्ल्ड कप में ले लेंगे। ये थी भैया दिन भर की 10 बड़ी खबरें, टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना। देखो मैंने बोला है सारी रिपोर्ट 90% 95% एक्यूरेसी के साथ सबसे पहले आ रही है और साथ साथ 8-8 दिन पहले ही हम सारी खबरें जो है रिवील कर देते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो अपने हर आईपीएल क्रिकेट फैन के साथ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।